सुप्रभातम, आप सबको सुबह का नमस्कार। आज की क्लास हमारी, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो सूखा रहेगा। कल हमने बाढ़ के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग सूखे के बारे में पढ़ेंगे। ड्राउट एरिया, आज हम लोग सूखे के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सूखा है आपके बीएड पार्ट सेकंड, जब हुल जय भूगोल की चौथी यूनिट है और एमए फाइनल में पांचवा जो पेपर है भारत का भूगोल, उसमें भी है। जब गुल में सूखा पड़ रहे हैं, सूखे में सूखे की विवेचना करते वक्त हम लोग कल भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। सूखा का मतलब वर्षा का ना होना, बारिश का ना होना, और वर्षा ना होने के कारण पेयजल और चारे की और भोजन की समस्याएं हो जाती हैं। इन समस्याओं से जब तीनों समस्याएं एक साथ आती है तो उसको त्रिकाल कहा गया है। 1956 की बात करते हैं हम लोग, जिसमें जो छप्पनिया जो काल पड़ा था उसमें ऐसी ही त्रासदी हो गई थी और लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर गए थे और अपने जितने भी पालतू पशु थे उनको खुला छोड़ दिया गया था विचरण करने के लिए, और वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर परलोक सिधार गए थे। और मानव जो है, मानवीय वर्ग है, उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़ दिया जहां उनको थोड़ी सी आस लगी कि यहां पानी मिल सकता है, और वहां जलीय स्रोत की तरफ सिंचित जो क्षेत्र थे, नदी घाटियों वाले जो क्षेत्र थे, उसकी तरफ प्रस्थान कर गए। तो सूखे की बात हम लोग करते हैं तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा के अभाव में उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में भयंकर जल संकट के साथ ही पशुओं के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और सूखा जब अधिक तीव्र होता है तो व्यावहायिक स्वरूप में आ जाता है, अकाल की स्थिति बन जाती है। भारत में अनेक भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने से अकाल पड़ते हैं, और कई कई साल तक लगातार वर्षा नहीं होती तो भयंकर अकाल हो जाता है। भोजन वगैरह जो संचित किया होता है, अनाज वगैरह जो संचित किया होता है, वो भी उपयोग में ले लिया जाता है, अब करें क्या। तो अत्यधिक तीव्र एवं व्यापक अकाल 1899 में छप्पनिया का अकाल तथा 1917 में 17 का अकाल प्रसिद्ध था, जब लाखों लोग मारे गए थे। सन 2000 में लगभग देश के 12 राज्यों में 10 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित थे। 10 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित थे। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश सूखे की गिरफ्त में था। राजस्थान में 345.6 लाख जानवर
चारे की कमी, चारे की कमी के कारण मर गए और सूखे के कारण मानसून क्षेत्र में कम वर्षा हुई, उसके बाद सर्दी में भी वर्षा नहीं हुई और उपलब्ध जल राशियां थी, जल संसाधन थे, जितने भी तालाब नहरें जोहड़ वगैरह थे वो सारे के सारे सूख गए और जिनमें पानी था उनका अति दोहन हो गया। इस प्रकार से ये जो घटना है सूखे की ये बहुत भयानक है, ये तो बाढ़ से भी काफ़ी नुकसानदायक हैं, काफ़ी भयंकर हैं। पशुओं के कई पशुओं तथा पक्षी तथा भूमिगत जीव जंतु हैं वो भी कलवित हो गए और कृषि का भी विनाश प्रारंभ हो गया और वनस्पति भी नष्ट हो गई और लगातार कम वर्षा का दौर चलता रहा, जिसके कारण सूखे की पुनरावृत्ति बार बार राजस्थान और इसके समीपवर्ती जो राज्य थे उनमें होती गई। राजस्थान और तेलंगाना वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला, वहां भयंकर विकट स्थिति उत्पन्न हो गई और 2000 में भारत में लगभग सूखे की सदी को भीषणतम सूखा माना जा रहा था। राजस्थान के आदिवासी हैं वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भूख से काफ़ी मर गए और यहाँ एक शहरिया जो जनजाति है, शहरिया जनजाति जो अनाज के अभाव में, शहरिया जनजाति अनाज के अभाव में एक समा नामक जंगली, शहरिया जो जनजाति है वो अनाज के अभाव में एक समा नामक समा जंगली घास है, समा जंगली घास से अपनी पेट की आग बुझाई। और इसी प्रकार कहा जाता है कि पुराने लोग जो कहते हैं कि जब छप्पनिया जो अकाल पड़ा उस छप्पनी अकाल में जो भी बड़े पेड़ पौधे थे, छप्पनी अकाल में जितने भी पेड़ पौधे थे राजस्थान में भाई ज्यादातर हैं वो खेजड़ी के वृक्ष मिलते हैं और खेजड़ी की जो छाल होती है उस छाल को कूटकर भोजन प्राप्त किया और अपने पेट की भूख को शांत किया। ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई और 2002 में सूखा विश्वव्यापी रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, यूएसए में भी 2002 की बात करते हैं तो यूएसए में भी भयंकर सूखे की स्थिति ने जन्म ले लिया। लगातार 4 साल से वर्षा नहीं हुई। कोलोराडो और न्यू मैक्सिमो, एरिजोना और दक्षिण डकोटा और एटलांटिक, टेक्सास तथा जॉर्जिया सूखे की मार झेल रहे थे। और कुछ स्थानों पर पानी को भी, जैसे वर्तमान में कोटा नाम सुना होगा आपने, कोटा कोई शहर नहीं है, ये कोटा का मतलब है जो सरकार है। पब्लिक को कम रेट के ऊपर राशन उपलब्ध करवाती है और राशन है वो, उसका वितरण है वो राशन कार्ड पे होता है, जैसे गेहूं चावल वगैरह मिलती हैं, ये एपीएल को तो 2 रुपए किलो और बीपीएल को शायद 1 रुपए किलो या फ्री में, ऐसे कुछ है। अभी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, पिछले लॉकडाउन में
पांच किलो राजस्थान सरकार की तरफ से और पांच किलो भारत सरकार की तरफ से यानी 10 किलो गेहूं है वो निःशुल्क कार्ड के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। उसी प्रकार हम लोग यूएसए की बात करते हैं, सूखे की बात करते हैं, तो जिस प्रकार यहां भोजन को कोटे में बांटते हैं राशन के आधार पर, उसी प्रकार से यहां भी पानी है जो पेयजल है, पेयजल को भी राशन के आधार पर राशन कार्ड से वितरण शुरू कर दिया गया था। और 1930 से 50 के दशक में दो स्थितियां पुनः बन गई जिसके कारण भारी मात्रा में जैव विविधता का ह्रास हुआ, जीव जंतु है वो नष्ट हो गए और जलीय जीव खाद्य श्रृंखला बिगड़ने लगी और स्थलीय जल भंडारण सूख गए। ये थी हमारी सूखे की बारे में बातें। अब थोड़ा सा लिख लें, आप लोग लिख लें इसमें, इस प्रकार सूखे में लिखें, हेडिंग लिखें सूखा, हेडिंग लिखें सूखा, और सूखे में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का जन्म, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का जन्म, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का जन्म सूखे के अभाव में होता है। एक मिनट भाई, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का जन्म वर्षा के अभाव में होता है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का जन्म वर्षा के अभाव में होता है। ऐसी स्थिति में भयंकर जल संकट के साथ पशुओं के लिए चारे की भी समस्या, उत्पन्न हो जाती है। सूखा जब अधिक तीव्र और भयावहक हो जाता है, तो अकाल की स्थिति बन जाती है, भारत के अनेक भागों में, सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, अकाल पड़ते हैं। किसके कारण है? सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण अकाल पड़ते हैं। अत्यधिक तीव्र एवं व्यापक अकालों में, अठारह सौ निन्यानवे का छप्पनिया अकाल, विक्रम संवत 1956 थी भाई, और इस 56 के कारण इसका नाम क्या पड़ा, छप्पनिया अकाल, और इसको त्रिकाल कहा जाता है। त्रिकाल क्यों कहा जाता है? इसमें पेयजल, चारा और अनाज
तीनों का अभाव था, तीनों ही समाप्त हो गई, इसलिए इसको क्या कहा गया, तीनों के अभाव के कारण इसको त्रिकाल कहा गया। और ये कब पढ़ा था, विक्रम संवत 1956 की बात है, 1956 के कारण इसको 56 या अकाल कहा गया। और ये ईस्वी संवत की बात करते हैं तो हम लोग ये 1899 की बात है, और इसी समय सुना था मैंने गुजुर्गों से कि हमारे यहां पर एक भाई देसी घास होता है, जिसको कहते हैं ब्रूट, कांटे होते हैं, और सुना है कि इसको औंखली के अंदर कूट कूट के, औंखली के अंदर कूट कूट के, और इसके जो छिलके हैं उनको अलग कर दिया गया, और उसके बाद उसका जो बीज बीज बचा, उस बीज को, उस बीज से रोटी बनाकर लोगों ने क्या किया, पेट भरा, नंबर एक बात। दूसरी, यहां पर खेजड़ी के वृक्ष होते हैं और उसकी जो छाल है वो मोटी छाल होती है, और उसको भी क्या किया, कूट कर लुगदी बनाकर उस लुगदी से अपने पेट की भूख को शांत किया, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये कब की बात है, 1899 में जो 56 अकाल पड़ा उसकी बात है। इसके बाद 1917 का अकाल भी काफी प्रसिद्ध रहा है। 1917 का अकाल भी काफी प्रसिद्ध रहा, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी भूख से और प्यास से। फिर आगे लिखिए, सन 2000 में 12 राज्यों में, सन 2000 में 12 राज्यों में लगभग 12 राज्यों में लगभग 10 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हो गए, भयंकर था भाई। सूखे के कारण विभिन्न प्रकार की जैव विविधता भी प्रभावित हुई। सूखे के कारण जैव विविधता भी प्रभावित हुई। पशुओं के अलावा कई पक्षी तथा भूमिगत जीव भी काल में कलवित हो गए। यानी परलोक सिधार गए। कृषि के विनिष्ट होने के साथ साथ अरे भाई, वर्षा नहीं हुई, सिंचाई के साधनों का अभाव था, तो कृषि का भी विनाश होने लगा। खेत वो सारे सूख गए, भूमि सारी सूख गई, और अनाज फिर कहाँ से होगा। जल ही जीवन है, जल के बिना सब सून है, कहावत है वो एकदम सत्य, चरितार्थ होती है।
पानी है तो सब कुछ है और पानी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा। जल ही हमारे जीवन का आधार है और जल के अभाव में सूखा होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां नष्ट हो गई और लगातार ये कम वर्षा का दौर चलता रहा, जिसके कारण सूखे की पुनरावृत्ति राजस्थान में होती गई। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य हैं वो ऐसा ही हैं, और हरियाणा वाला मेवात वाला जो एरिया है वो भी सूखा ही है। इनमें इस प्रकार की कंडीशन है वो उपलब्ध होती गई और सूखा लगातार अपने पांव पसारता गया। इस प्रकार सन 2002 में भारत में लिखे आगे 2002 में भारत में उत्पन्न सूखे की सदी 2002 में 2002 में सूखा भारत में सूखे की सदी को भीषणतम सूखा माना जा रहा है। राजस्थान के आदिवासी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भूख से और प्यास से परलोकशी धार गए। यहां शहरिया लोग अनाज के अभाव में समा नामक एक जंगली घास से रोटी बनाकर अपना भरण पोषण किया। जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये समा नाम का जो घास है, अरे हमारा जो एरिया है ये इरिगेशन वाला जो सिस्टम है वो तो अभी शुरू हुआ है, ये कैनाल वगैरह तो अभी आई है, और पहले क्या है कि जंगली घास वास होते थे, ये समा जो घास है उन लोगों ने वहां समा घास होता था, इसलिए उन्होंने शमा घास को कूट पीट के उसको अपना भोजन बना लिया, और यहां हम लोग बात करते हैं भ्रूट की, तो उसको भी कूट के उसके जो बीज थे उस बीज से रोटी खिचड़ी दलिया जो भी बना उसका बना लिया और अपनी जठराग्नि को शांत कर लिया। तो ये कंडीशन तो काफी भयंकर है। आपने क्या लिखा था, शमा शहरिया जो जनजाति है समा नामक जंगली घास से अपनी रोटी बनाकर जठराग्नि को शांत किया। एक और वर्षा का औसत 25% से कम हुई, वो 25% से कम हुई। दूसरी ओर भरण पोषण के लिए उपलब्ध धरातल पर भूजल संसाधनों का तीव्र दोहन होने लगा और इसका प्रभाव संचयी रूप में मानसूनी वर्षा में परिलक्षित हुआ। देखिए भाई, हमारा जो एरिया है इस एरिया में हम लोग भादरा तहसील की बात करते हैं तो यहाँ कैनाल सिस्टम भी है और अधिकांश जो एरिया है इन 5-7 सालों में बिफोर 10 ईयर 10 साल से पहले
यहां ट्यूबवेल ट्यूबवेल खूब मात्रा में लगे हैं और वर्षा के अभाव में ये जो ट्यूबवेल हैं वो दिन रात चलते हैं और इनके द्वारा फसलों की सिंचाई होती है। और जब दिन रात चलेंगे तो इसका दोहन नहीं क्या होगा, अति दोहन शुरू हो गया। पानी पहले अच्छा था, मीठा जल था, मीठा जल था जो अति दोहन होने से ये मीठा जल परिवर्तित हो गया किसमें, खारे में। मीठा जल परिवर्तित हो गया खारा जल में जो यूजलेस है, कोई काम का ही नहीं है। जो भूमि के अंदर थोड़ा बहुत अनाज होता था वो भी होने से रह गया। तो ये क्या अति दोहन का अति है, वो खतरनाक होती है। अब अति दोहन होने लगा, फिर 2002 में सूखा जो है सूखा विश्वव्यापी रहा, जिसके तहत यूएसए में भी इसका प्रभाव देखो भाई सब जगह ही पड़ता है, यूं नहीं हमारे राजस्थान में ही पड़े, सब जगह ही पड़ता है। कहा गया है कि भूभाग पे धरातल पे 71% भाग पे जल है और फिर भी जीव है वो जल के अभाव में तड़फ रहे हैं। क्यों भाई, इतना प्रतिशत पानी होते हुए भी क्यों तड़फ रहे हैं? इसलिए तड़फ रहे हैं, ये जो महासागरों में है 71% जो पानी है, ये जो 71% पानी है उसका 97.39% जो पानी है वो क्या है, खारा है, जो कोई काम का नहीं है। मछली पालन भले ही कर लो, कोई काम का नहीं है, ना सिंचाई में काम ले सकते, ना घरेलू कार्यों में काम में ले सकते, ना पेयजल के रूप में काम में ले सकते। तो तराई तो मचनी है, शेष तो 2.61% ही है जो मीठा जल है, जो सिर्फ पेयजल और घरेलू कार्यों में काम में लिया जाता है, सिंचाई में काम में लिया जाता है, बाकी तो यूजलेस है ये सारा का सारा, कोई काम का ही नहीं है। तो क्या लिखा आपने, 2002 में सूखा विश्वव्यापी रहा, जिसके तहत यूएसए में भी भयंकर सूखे की स्थिति बनी रही। लगातार 4 साल में वर्षा नहीं हुई। कोलोराडो न्यू मैक्सिको दक्षिणी डकोटा, टेक्सास और जॉर्जिया भी सूखे की मार झेल रहे थे। यहाँ कुछ स्थानों पर पानी राशन के रूप में बांध दिया गया था, जैसे पहले हमने चर्चा की थी कार्ड के आधार पर बांध दिया गया था, जिसके कारण भारी मात्रा में बांध दिया गया था। 1930 और 1950 के दशक के उपरांत ये स्थितियाँ पुनः बन गई, जिसके कारण भारी मात्रा में जैव विविधता का ह्रास हुआ और जलीय जीवों की खाद्य श्रृंखला बिगड़ने लगी, क्योंकि स्थलीय जल भंडार ग्रह वो सूख गए। तो ये इतना सफिशियंट है हमारे लिए सूखे में। आप लोग इसकी विवेचना कर देंगे अगर आपके एग्जाम में आता है तो डॉट, ये हमने पढ़ा सूखा और बाढ़ के बारे में। आज की क्लास इतनी ही।